उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा खत्म कर वियतनाम पहुंच चुके हैं। उत्तर कोरिया में पुतिन ने तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने एक ऐसा सुरक्षा समझौता किया जिससे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान समेत पूरा जो पश्चिमी देशों का समूह है वो खौफ में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस खास रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पुतिन किम की जुगलबंदी, पश्चिमी देशों में खलबली। पुतिन किम की मुलाकात, साझा सुरक्षा पर बनी बात। पुतिन किम की दोस्ती, बाइडेन के माथे पर शिकन। किम जोंग के देश में पुतिन का ग्रैंड वेलकम। जंग और वैश्विक अस्थिरता से जूझ रही दुनिया, कल पश्चिमी देशों के नेताओं को सबसे बड़ा सिरदर्द देने वाली महामुलाकात का गवाह बनी। यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे। ये किसी रूसी राष्ट्रपति की 24 साल में पहली उत्तर कोरिया यात्रा थी। तो वही दुनिया में पहले से ही अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया में पुतिन के ऐतिहासिक यात्रा की अहमियत उसके तानाशाह किम जोंग उन बखूबी समझ रहे थे। उन्होंने पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया। पुतिन के एयरपोर्ट पहुंचने पर किम ने खुद उन्हें रिसीव किया। इतना ही नहीं, वो खुद पुतिन को कार में बिठाकर गेस्ट हाउस ले गए। इस बीच जिन रास्तों से पुतिन का काफिला गुजरा वहां का नजारा भी देखने लायक था। पुतिन किम ने मिलाए हाथ, बाइडेन की हालत खराब। उत्तर कोरिया में पुतिन के शानदार स्वागत के बाद रूसी राष्ट्रपति और किम जोंग के बीच बैठकों का दौर शुरू हुआ। पुतिन किम के बीच गर्मजोशी भरी तस्वीरों से जहां दुनिया पहले ही सकते में थी, इस बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक ऐसा सुरक्षा समझौता किया जिससे सबके होश उड़ गए। अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत की नींद उड़ा देने वाला ये समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तहत हुआ। इसकी खासियत यह है कि रूस, उत्तर कोरिया सुरक्षा साझेदार होंगे, किसी तीसरे देश के हमले पर आपसी सहायता करेंगे, किसी पर भी हमला मतलब दोनों पर हमला, तीसरे देश के हमले पर साथ जवाब देंगे। हालांकि इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि सुरक्षा समझौते में किस तरह की सहायता का जिक्र है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के साथ तनातनी के बीच पुतिन और किम जोंग खुद पर लगे प्रतिबंधों से निपटने का रास्ता भी निकालेंगे। इसके लिए दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंध को दूर करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को लेकर किम के समर्थन का भी शुक्रिया अदा किया।